स्वागत है आपका पूनम सिंह रेसिपीज में। तो मैं पूनम आज बनाऊंगी मिक्स वेज और पनीर का जंबो पराठा। तो हम मिक्स वेज में गाजर काट लिए हैं, आधा गाजर हम ग्रेट कर लिए हैं, प्याज एक हम ग्रेट कर लिए हैं, दो आलू को ग्रेट करके हम गर्म पानी में डाल दिए थे ताकि ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। और इसमें है शिमला मिर्च, एक छोटा सा शिमला मिर्च और तीन हरी मिर्च, एक टुकड़ा अदरक का हम ग्रेट करके डाल दिए हैं, इसमें काट करके चॉपर से चॉप कर दिए हैं, इसको डाले हैं। और हम ले लिए हैं पनीर, 1.5 kg दूध का हम पनीर बना लिए हैं और उसको हम ग्रेट कर लिए हैं। तो पहले हम आटा गूंथ लेते हैं, नहीं तो इसमें हम नमक मिलाएंगे अभी तो पानी रिलीज कर देगा। तो पहले हम आटा गूंथ कर और तब इसका हम मिक्सचर बनाएंगे। तो आटा हम ले लिए हैं 1/2 kg, इसमें हम डालेंगे मोयन, इसमें हम डालेंगे मोयन थोड़ा सा, हम 2 serving spoon के अंदाज से मोयन डालेंगे। हमको इसका कचौड़ी नहीं बनाना है इसलिए ज़्यादा खस्ता की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इतना डालें कि अच्छा लगेगा। इसी में हम डाल देंगे थोड़ा सा चिली फ्लेक्स और हम डाल देंगे थोड़ा सा धनिया पत्ती इसमें डाल देंगे हम। इसी में हम डाल देंगे थोड़ा सा नमक, ये आटा में भी नमक का स्वाद आ जाए। 1/2 spoon हम डाल देंगे मंगरेला कलौंजी और 1/2 spoon हम अजवाइन डाल देंगे और सबको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से, मोयन एकदम मसल कर और मिला देंगे इसमें। अब हम इसमें डालेंगे पानी, मोयन मिला लिए हैं, अब हम इसमें डालेंगे पानी। आटा हमें न गीला गूंथना है न कड़ा गूंथना है, न सॉफ्ट न कड़ा, तो इसे मिला देंगे हम अच्छी तरह से और एक परफेक्ट डो तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स आटा हम गूंथ लिए हैं, देखिए ऐसा ही परफेक्ट आटा होना चाहिए पराठा के लिए। तो इसको हम ढक कर रख देंगे 10 से 15 मिनट, इसको ढक कर रख दिए। अब हम मिक्सचर तैयार कर लेते हैं आलू और मिक्स वेज पनीर का। एक बोल ले लेंगे हम जिसमें हम सारा मिक्सचर को मिलाएंगे। तो इसी में हम डाल देंगे आलू, डाल दिए पहले, 2 आलू ग्रेट किया हुआ है तो बताए ही है शुरू में आपको वीडियो में। तो सबको हम डालकर मिलाएंगे अच्छी तरह से, बहुत ही टेस्टी ये पराठा लगता है। इतना मिक्सचर में हम 5 आदमी को आराम से ब्रेकफास्ट करा सकते हैं। इसी में हम डाल देंगे पनीर, ये भी हम ग्रेट कर लिए हैं। इसमें डालेंगे हम स्वाद के अनुसार नमक। ये मिक्सचर तभी आप मिलाएं जब आपको बनाना हो, वरना पानी छोड़ देता है तो ये फिर दिक्कत होती है, पराठा फटने लगता है। इसी में डालेंगे हम थोड़ा सा कलौंजी या मंगरेला जो आप लोग कहते हैं, थोड़ी सी हम डालेंगे अजवाइन, आटा में भी हम डाले हुए हैं इसलिए हम इसमें थोड़ा ही थोड़ा डालेंगे, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा पाउडर डाल देंगे हम और इसी में थोड़ा सा हम अमचूर पाउडर डाल देंगे। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे 1 bunch धनिया पत्ती डालेंगे इसमें और सारे मिश्रण को हम मिला लेंगे अच्छी तरह से। आलू को हम इसलिए ग्रेट कर लिए थे कच्चे आलू को ही कि ये सॉफ्ट हो जाए पराठा के साथ, ये जल्दी पक जाए। आप चाहें तो इसमें बॉयल आलू भी ग्रेट करके डाल सकते हैं या मैश करके डाल सकते हैं। मैश करने से है कि थोड़ा सा गुलटी गुलटी हो जाता है, तो आप उसको ग्रेट कर लें तो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है। तो मेरा मिश्रण तैयार है पराठा का। अब चलिए हम आपको पराठा बनाकर दिखाते हैं। थोड़ा सा चिली फ्लेक्स हम इसमें भी डाल देंगे। अब आटा का लोई ले लेंगे और इसमें हम स्टफिंग को भरेंगे। ऊपर से जो मिर्च डाले हुए थे उसको हम मिला लेंगे अच्छी तरह से, तो जितना आराम से चला जाए पराठा फटे नहीं उतना हम स्टफिंग इसमें डालेंगे, तभी ये जंबो पराठा कहलाएगा। इसका एक्स्ट्रा आटा हम ऐसे काट कर निकाल देंगे। और आटा में इसको कोट करके फिर हम इसे धीरे धीरे हाथ की सहायता से ही थोड़ा फैलाएंगे
ताकि ये पराठा फटे नहीं बेलने पर। इसे हम दबा देंगे आटा डालकर और धीरे धीरे हल्के हाथ से ही हमें इसे बेलना है चारों तरफ से। थोड़ा थोड़ा तो फटेगा ही, तो आटा की सहायता से हम इसे बेल लेंगे। पराठा बेल लिए हैं, देखिए अच्छी तरह से बेला गया, थोड़ा सा तो फटेगा ही। अब इसको हम डालेंगे सेकने के लिए। तवा गर्म है पहले से और इसी पर हम डालकर सेकेंगे अच्छी तरह से। इसे हमें मीडियम फ्लेम पर ही सेकना है ताकि अंदर आलू जो कच्चा है वो पक जाए अच्छी तरह से। एक साइड पक गया है ये, अब इसको हम पलट देंगे दूसरे साइड। ये बच्चों को टिफ़िन में देने का बहुत अच्छा ऑप्शन है, बच्चे मन से खाएंगे भी और इन्जॉय भी करेंगे। कलरफुल पराठा उन्हें बहुत अच्छा भी लगेगा। इस पर हम डालेंगे अब रिफाइंड, आप चाहें तो घी बटर कुछ भी डाल सकते हैं। इसमें हल्का ही डालने की ज़रूरत है, ज़्यादा नहीं। तो इसको हम ब्रश की सहायता से चारों तरफ फैला देंगे। अब इसे पलट कर हम दूसरे साइड भी पका लेंगे। देखिए धीरे धीरे आंच पर पकाने से कितना अच्छा ये क्रिस्प हो जाता है चारों तरफ से। और ऐसे ही हम दूसरे साइड भी तेल लगाकर रिफाइंड ऑयल और इसे हम ब्रश की सहायता से मिला देंगे चारों तरफ। और 3 से 4 मिनट हमें शुरू में लगता है एक साइड धीरे धीरे क्रिस्प होने में, और पलट के भी हम इसे थोड़ी देर क्रिस्प करते हैं। तो ऐसे ही हम दोनों साइड पलट लेंगे। देखिए इधर भी कितना अच्छा क्रिस्प हो गया है पराठा। अब हम इसको भी दूसरे साइड फिर से पलट देंगे। दोनों साइड बराबर पक गया। अब इसमें हम डाल देंगे चीज़ ऊपर से, बच्चों को चीज़ बहुत ही पसंद है, तो आप ऊपर से भी चीज़ डाल देंगे तो उन्हें दिखेगा भी और ये चाव से खाएंगे भी। इसको हम छोड़ देंगे 2 मिनट धीरे धीरे कि ये थोड़ा सा मेल्ट हो जाए। तो पराठा तैयार हो गया है फ्रेंड्स। अब इसे हम पिज्ज़ा कटर की सहायता से काट लेंगे अच्छी तरह से। ये बच्चों को बहुत ही यम्मी लगेगा खाने में और इन्जॉय करेंगे बच्चे खाने में भी। इसे हम काट लिए अच्छी तरह से, अपलेटिंग करेंगे आप सबके लिए फ्रेंड्स। आप इसे चटनी सॉस और दही के साथ अच्छी तरह से इन्जॉय कर सकते हैं। तो देखिए कितना अच्छा बन गया पनीर जम्बो पराठा और ऊपर से ये चीज़ बच्चों को बहुत ही अट्रैक्ट करेंगे खाने के लिए। तो कैसी रही ये रेसिपी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा। तो फिर मिलेंगे हम अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।